हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक कैलकुलेशन की क्लास जो है स्टार्ट हो गई है। तो पहली क्लास में हमने जो है एडिशन सीखा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे बताए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज कैलकुलेशन की दूसरी क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम लोग पहले में तो एडिशन सीखे थे, इस वाले में हम लोग सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं और आप एक एक करके देखिएगा। तो सब्ट्रैक्शन तो आप जब आप क्लास 2 3rd में रहे होंगे तो सीखे होंगे। यहाँ पर मैं कुछ नई चीज़ें बताऊंगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप जनरल मेथड तो आपको आता ही है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2 डिजिट्स का 2 डिजिट्स के नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो स्क्रीन पे देख करके कैसे किया जा सकता है, जिसमें लिखना वगैरह ना पड़े। जैसे आप देखते हैं कि पहला मैंने एग्जांपल ले रखा है 68 और 43। तो 68 और 43 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, ये देखिए 10th प्लेस का डिजिट होता है, ये देखिए 10th प्लेस का डिजिट है, ये यूनिट का, ये यूनिट प्लेस का है। तो आप क्या करिए, पहले वाला नंबर चूंकि ग्रेटर देन है सेकेंड वाले से, तो आप 6 में से 4 माइनस करिए, यानी 10th प्लेस के डिजिट्स को माइनस करिए। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 25 आपका आंसर हो जाएगा। देख करके 6 में, है ना, 6 माइनस 4 8 माइनस 3, इस तरह से आप कर लेंगे। बेसिक मेथड तो आप जानते हैं, 8 माइनस 3 6 माइनस 4, है ना। तो अगर इस तरह से एग्जाम में कहें, अगर आप अगर इस तरह से कहीं भी कैलकुलेशन आती है तो आप डायरेक्ट करेंगे 10th प्लेस के डिजिट्स को माइनस कर दीजिए, फिर यूनिट प्लेस को माइनस कर दीजिए। दोनों पॉजिटिव आ रहा है, 8 में से 3 जाएगा तब भी पॉजिटिव आएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो डायरेक्ट मेरा ही आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, आप देखेंगे सेकंड वाला जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, तो सेकंड वाले में देख रहे हैं कि अगर 8 में से मैं 6 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन जब मैं 6 में से 8 को माइनस करूंगा तो -2 आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 डिजिट का मान ले आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो आपको दिख जाएगा कि 6 माइनस 8 जो है 2 8 होता है वो -2 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये नेगेटिव आया है ना, जो नंबर नेगेटिव आता है उतना 10 में से माइनस कर दिया करिए। क्या करिए, 10 में से माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये जो 2 आया था इसको एक कम कर देंगे तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, जैसे 86 में से 68 माइनस करना है बेसिक। अभी देखिए आप सोचेंगे छोटा एग्जाम्पल है ना, तो आपको बड़ी जल्दी लग रहा था कि ऐसे ही कर लेंगे, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो मेथड बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना, जब आप सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं या सिंगल डिजिट का जब आप एडिशन करते हैं तो उसमें गलती नहीं होती है, और सबसे पहली बात है कि बहुत आसानी से आपके दिमाग में वो आंसर आ भी जाता है। जैसे 8 में से 6 आपने निकाला 2 आया, और जब आप 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2 आ गया। आप क्या करें सर, नेगेटिव आ गया, तो जो -2 नेगेटिव आया है इस वाले नंबर को 10 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि कैरी याद होगा आपको, कैरी लिया जाता है ना, तो 10 में से 2 जाएगा 8, और ये जो 2 आया था इसको एक कम कर दीजिए तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 18 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप और भी लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। जैसे मान लें आपसे कहूँ मैं 78 में से, है ना, आपसे मैं कह दूँ कि 35 माइनस करिए तो आसान हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 7 में से 3 जाएगा 4, और 8 में से 5 जाएगा 3, मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, 7 माइनस 3 8 माइनस 4, इस तरह से हो जाएगा। कभी कभी ऐसे मान लेते हैं कि कम वाला हो जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 72 में से, मान लें 72 में से अगर आपको माइनस करना है 39, आप बताइए क्या होगा। तो 7 माइनस 3 करेंगे जो 4 आएगा, 2 में से 9 जाएगा 7, 7 नेगेटिव में आएगा, तो 10 में से 7 जाएगा 3, और 4 में से 1 कम कर दीजिए 33 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रखना है, ऐसे दिमाग रखेंगे तो बहुत तेजी से कैलकुलेशन को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आसानी से आप कर लेंगे, कम ज्यादा इस तरह का अभी एग्जाम में आता है कोई क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। नेगेटिव आएगा तो 10 में से माइनस कर दीजिएगा, और जो पहला वाला नंबर आया था उसको एक कम कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, अब लिखना थोड़ी पड़ेगा। जैसे हमारे एग्जाम में मेरे आ गया कि 88 में से 5 माइनस करिए 42,
मान लिया 49 माइनस करना है, तो मैं लिखूंगा थोड़ी, मैं देखूंगा 8 में से 4 गया, 4 आया, 8 में से 9 जाएगा, माइनस 1 है, तो माइनस 1 का मतलब 10 में से 1 निकाल दिया जाएगा, 9 आ जाएगा, जैसे 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, और 8 में से 9 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, तो 10 में से 1 जो कि नेगेटिव आ गया है तो इसको 10 में से माइनस कर दीजिए, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और 1 इसको कम कर दीजिए, तो ऐसे आपको दिमाग करना है तो ऐसे आप करते जाएंगे, तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका 2 डिजिट्स नंबर में से 2 डिजिट्स को नंबर को माइनस करना है तो आप ऐसे कर लेंगे, अगर क्या अगर कोई नेगेटिव आ जाता है सेकंड वाला तो उसको 10 में से माइनस करके और पहले वाले नंबर को 1 कम कर दीजिएगा, ही आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट्स के नंबर में से अगर 2 डिजिट्स का नंबर माइनस करना है, क्या करना है, 3 डिजिट्स के नंबर में से अगर 2 डिजिट्स के नंबर को माइनस करना तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए पहला 3 डिजिट का नंबर है, दूसरा 2 डिजिट्स का नंबर है, तो आप करेंगे पहले वाले नंबर का दो पेयर ना, दो नंबर एक साथ लेंगे, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को एक साथ लेंगे और यूनिट को अलग रखेंगे, क्या करेंगे दोनों पर अगर 3 डिजिट के नंबर में से 2 डिजिट को माइनस करना है तो पहले वाले नंबर के 2 डिजिट को एक साथ रखेंगे और लास्ट वाला अलग रखेंगे, उसके बाद कैसे सेपरेट करेंगे देखिएगा, 73 इसको कह लेंगे, 73 में से पहले 4 माइनस करेंगे, 73 में से अगर 4 जाएगा 69 आएगा, और 5 में से 3 चला जाएगा 2 आ जाएगा, 692 मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिएगा, 684 में से 47 माइनस करना था तो 68 को एक साथ रखिए और 4 को अलग रखिए, 68 में से 4 जाएगा तो 64 आएगा, 68 में से क्या जाएगा 4 जाएगा तो 64 आएगा, और 4 में से जब 7 जाएगा, देखिए नेगेटिव आ गया, कितना आ जाएगा 4 में से 7 जाएगा तो -3 आएगा। अब क्या करें सर, नेगेटिव आएगा तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना, वही वाला रूल, 3 नेगेटिव है जिसको 10 में से माइनस करके लिख दीजिए, 10 - 3 = 7, और इसको 1 कम करके लिख दीजिए, 64 में से 1 कम करिए, 63 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको सर्किट करना है, जल्दी जल्दी करेंगे तो बहुत सारे आंसर जो भी आपको निकालना आसानी से निकाल सकते हैं आप, है ना, इसे बहुत सारा 895 माइनस है ना क्या कह सकते हैं कि 37, बताइए कितना आएगा, तो क्या करेंगे आप 89 को ऐसे लिखिए एक साथ और 3 यहाँ, 89 में से 3 जाएगा, 5 में से 7 जाएगा, 89 में से 3 जाएगा 86 और 5 में से 7 जाएगा -2, अब माइनस आ गया तो 10 में से 2 निकाल देंगे 8 और इसको एक कम कर देंगे 85, 85 फिर मेरा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करेंगे तो आसानी से आपका आ भी जाएगा, वहाँ फिर आप कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं करोगे। तो 3 डिजिट के नंबर में से अगर 2 डिजिट का नंबर माइनस करना है तो पहले 2 डिजिट को लेकर के है ना माइनस कर लीजिए दूसरे वाले डिजिट के 10th प्लेस से, और बाकी यूनिट वाला यूनिट से माइनस हो जाएगा, अगर यूनिट वाला नेगेटिव आता है तो उसको 10 में से माइनस करके लिख दीजिए और बाकी एक उसको कम कर दीजिए, यही रूल चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी 2 3 डिजिट के नंबर में से 2 डिजिट नंबर माइनस करना है तो एक लाइन में आप आसानी से देख करके आंसर कर सकते हैं, आप दिमाग में करिए, इतनी छोटी कैलकुलेशन है तुरंत हो जाएगा देख करके, अच्छा 64 ये -3 ये 763 आंसर, मतलब आप जब ये चूंकि एक पैटर्न है ना, जब आपके दिमाग में बैठेगा तो आप तुरंत तुरंत कैच करते चले जाएंगे, तुरंत लिखते चले जाएंगे, अच्छा 89 - 3 86 - 2 8 85, तक इस तरह से 10 में से जाएगा एक कम करना, 10 में से नेगेटिव आया 10 में से एक कम कर दिए माइनस कर दिए, एक इसको कम कर दिए 58 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 3 डिजिट के नंबर में से अगर 2 डिजिट का नंबर माइनस करना है तो आसानी से कर लेंगे। एक कार अगर और एग्जाम्पल चाहिए मैं कर देता हूँ, जैसे कुछ भी ले लीजिए 9 मान लेते हैं, 27 में से मान लेते हैं कि 47 माइनस करना है, क्या करना है 47 तो मान 43 माइनस करना है जो भी मान, ठीक है अब बताइए क्या आएगा, तुरंत आप जानते हैं 92 में से 4 करेंगे माइनस, कितना जाएगा 88, और 7 में से 3 जाएगा, ये तो आसान हो गया, 7 में से 3 जाएगा 4, 884 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से कर ले जाएंगे, अगर नेगेटिव आया 10 में से माइनस करके
एक इसको कम कर देते हैं। तो आई होप कि 3 डिजिट के नंबर में से अगर 2 डिजिट का नंबर माइनस करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप क्या कहता है कि 3 डिजिट के नंबर में से अगर 3 डिजिट का नंबर माइनस करना तो कैसे करेंगे। देखिएगा, अगर 3 डिजिट के नंबर में से 3 डिजिट के नंबर को माइनस करना है तो पहले बताया थे ना कि इसको 2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। इधर भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 का पेयर बनाइए और यूनिट वाले को ऐसे सिंगल ऐसे आप छोड़ दीजिए। अब आसानी से सेपरेट कर लीजिए। जैसे 879 में से अगर 527 माइनस करना है तो सबसे पहले 87 में से 52 माइनस कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 2 जाएगा 5, 35 हो गया। और 9 में से 7 जाएगा 2, तो 352 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, अगर 3 डिजिट के नंबर में से 3 डिजिट के नंबर को माइनस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट इधर पेयर बनाएंगे, उधर भी शुरू के 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, पहले उन दोनों को माइनस करके लिख लेंगे, फिर लास्ट डिजिट को माइनस करके लिख लेंगे। यही आपको करना है। सेकंड वाले में देखिए क्या था, 984 था, ये 497 था। इन दोनों को एक साथ रखिए, शुरू के 2 डिजिट्स को, और इनको माइनस कर लीजिए। 98 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो 49 आएगा, सिंपल सी बात है। 9 में से 4 जाएगा 5, इधर -4 आएगा, 1 आएगा, माइनस कर लेंगे आसानी से। अरे भाई, 98 में से अगर आपको 49 का हाफ ही तो है, अगर रूल से करेंगे तो कैसे करते हैं, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 9 जाएगा -1, 10 में से 1 गया 9, एक कम कर लीजिए 49, तो 49 आपका आ जाएगा। अब 4 में से 7 जाएगा तो नेगेटिव आ गया, -3 आ गया। अब क्या करें, जब ये -3 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको 10 में से माइनस करके लिख लीजिए और एक इसको कम कर दीजिए, तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 49 को एक कम करके लिख देंगे 48, वही रूल चलेगा, तो 487 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस जब करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी और कम लिखना पड़ेगा आपको, तो आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर ले जाएंगे। तो 3 डिजिट के नंबर में से अगर 3 डिजिट का नंबर माइनस करना है तो पहले 2 डिजिट का इधर पेयर बना लेंगे, इधर से शुरू के 2 डिजिट का पेयर बना करके उनको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे और बाकी फिर हम लास्ट में माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से आप जो है सब्ट्रैक्ट कर ले जाएंगे। ये 3 डिजिट का समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सारे आप 3 डिजिट, आप क्या करना है, आपको घर पे आपको 3 3 डिजिट के नंबर लिख लेने हैं बहुत सारे, उनको माइनस माइनस करके लिखे, फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपकी स्पीड बहुत अच्छी खासी होगी। दिमाग, क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेशन हो रही है, लिखना कम पड़ रहा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि कैलकुलेशन में आपको लिखना कम पड़े, आपके माइंड में सारी चीजें चलें, और जब ये आदत पड़ेगी तब जा करके जब आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम देंगे, आप स्क्रीन पे बैठेंगे तो स्क्रीन पे जब आदमी बैठता है उसका दिमाग चलता है, पेन नीचे करेगा तो दिखाई नहीं देता है, तो दिमाग जब ज्यादा चलेगा तो आप आधी कैलकुलेशन तो आप उसके अंदर ही कर देंगे, आप लिखेंगे आधा दिमाग के अंदर हो जाएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो है कैलकुलेशन की क्लास कराई जा रही है कि आपके ब्रेन को इतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि छोटे छोटे जो सब्ट्रैक्शन हैं जिन्हें आप लिखते थे पहले वो अपने माइंड के अंदर कर पाए, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी रूल मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, आप उसी क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने कोई 3 डिजिट वाला नंबर माइनस करना सिखाया आपको कि ऐसे ऐसे करना है, आपको क्या करना है, आपको घर पे बैठ करके ऐसे 3 डिजिट के बहुत सारे नंबर लिख लेने हैं और इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने हैं, और जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतनी तेजी से करेंगे कि आप देख देख करके आंसर, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, इधर 9 से 10 में से जाएगा, रूल आप पता है। अच्छा, जैसे मैं इसको देखता, इस वाले को 98, मैंने कहा 98 में से 49 गया, 49 आ गया, 4 में से 7 जा रहा, -3 आ रहा है यार, नेगेटिव आ गया -3, तो 10 में से माइनस कर लीजिए 7, इसको एक कम कर लीजिए, 487 मेरा हो गया। ये बहुत तेजी से आपके दिमाग में बढ़ तेजी से चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये तो 3 डिजिट के नंबर में से 3 डिजिट के नंबर को माइनस करना था। अगला देखिएगा, अगर 4 डिजिट के नंबर में से 4 डिजिट, अब 4 डिजिट के नंबर में से अगर आपको कोई ना, चाहे 3 डिजिट का नंबर माइनस करना हो, 2 डिजिट का नंबर माइनस करना हो, तो क्या करेंगे, देखिएगा देखिएगा। अगर कोई 4 डिजिट का नंबर आ गया उसमें से 3 डिजिट के नंबर को माइनस करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, वही वाला काम करना है कि 4 डिजिट में दो दो नंबर का पेयर बना लीजिएगा। 4 डिजिट वाले नंबर में से क्या करना है आपको, दो दो डिजिट के जो नंबर हैं, दो दो बनेंगे ना, 4 डिजिट हैं, तो दो नंबर इधर शुरू के
और फिर बाद के दो नंबर का एक पेयर बना लीजिए। इधर आपका 3 डिजिट्स का नंबर है, किधर है आपका 3 डिजिट्स का नंबर है, तो पहला नंबर आप से छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, और लास्ट के 2 का पेयर बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 2 का पेयर बना लीजिएगा, और पहला नंबर जो डिजिट 3 डिजिट का जो नंबर का जो पहला डिजिट है यानी 6 है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, यानी 100 प्लेस वाला डिजिट ऐसे रहने दीजिएगा, टेंस और यूनिट प्लेस के डिजिट को आप पेयर बना लीजिएगा। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा। 23, 78 इधर दो दो नंबर के पेयर बन जाएंगे, इधर 6 को अलग करके 54 का अलग पेयर बन गया। अब क्या करना है कि 23 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका 17 आएगा, आसान सब्ट्रैक्शन है, 23 में से 6 निकालना है। और 78 में से जब आप 54 निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 17, 24 आप आसानी से एक लाइन में देख करके स्क्रीन पे आंसर कर देंगे। फिर से देखिएगा क्या करना, अगर 4 डिजिट के नंबर में से 3 डिजिट का नंबर माइनस करना है, इधर दो नंबर का पेयर बना लीजिए, और इधर लास्ट का 2 डिजिट का पेयर बना लीजिएगा, पहले वाले डिजिट को छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। अब क्या करना है, 23 में से पहले वाले को माइनस करिए, 23 - 6 करेंगे 17 आएगा, और 78 में से 54 माइनस करेंगे, आप 2 डिजिट का नंबर तो आप सबट्रैक्ट करना पहले ही सीख गए हैं, तो 24 आ जाएगा, 17, 24 आपका आंसर हो जाएगा। आप इधर आ जाइए, आप 4 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, माइनस करना है तो 98 को एक साथ रखना है, 63 को एक साथ रखना है, 3 अलग रखना है और 68 को अलग एक साथ रखना है। 98 में से सबसे पहले 3 माइनस करेंगे तो 95 आएगा, 98 में से 3 माइनस करेंगे 95 आएगा, लेकिन जब आप 63 में से 68 माइनस करेंगे, क्योंकि 63 छोटा है 68 बड़ा नंबर है, तो -5 आएगा, 5 नहीं आएगा, -5। जानते हैं कि 68 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन चूंकि 63 छोटा है तो ये -5 आएगा। जब कम नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं नेगेटिव का साइन लगता है। अब क्या करें, अब क्या करें, देखिए अभी जब तक तो 2 डिजिट के नंबर में से जब आप माइनस करते थे, 3 डिजिट के नंबर माइनस करते थे, जब नेगेटिव आता था तो आप उसके लिए 10 में से माइनस करते थे, क्या करते थे, 10 में से माइनस कर देते थे, लेकिन जब कभी 4 डिजिट के नंबर में से कुछ भी माइनस करना होता है, 2 डिजिट का नंबर माइनस करना हो चाहे 3 डिजिट का नंबर माइनस करना हो, और बाय द वे अगर नेगेटिव आ जाता है लास्ट ना डिजिट, अगर नेगेटिव आ जाता है, अगर 4 डिजिट में से माइनस करने किसी नंबर को और लास्ट वाला नेगेटिव आ जाता है, तो 10 में से नहीं माइनस करना है, 100 में से माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, 100 में से माइनस करना है। अगर -5 यहाँ पे आया है तो मैं 100 में से 5 को माइनस करूंगा, 95 आएगा, और 95 जो शुरू में आया था इसको एक कम करके यानी 94 लिख दूंगा, तो 9495 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, कुछ भी आप लोग बताइए कि मैं कहूँ 9765 - 328, बताइए कितना आएगा, तो सभी लोग बताइए। तो क्या रूल बताता है कि 97 का 65 का पेयर बनेगा, 3 को अलग रखना है, 28 को अलग रखना है, यही तो आप सीखे, 28 को अलग रखना है, इसमें 3 का अलग रखना है, 97 में से 3 जाएगा 94, तुरंत हो जाएगा। 65 में से अगर आपको 8 माइनस करना है तो क्या करेंगे, 65 में से अगर आपको 28 माइनस करना तो क्या आएगा, आसानी से निकल जाएगा, 65 में से 28 माइनस करना, 6 में से 2 जाएगा 4, और 5 में से 8 जाएगा कितना जाएगा, तो प्लस ही आ जाएगा ना, हाँ तो कितना जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा, -3 आएगा 7 आ जाएगा, और 7 इसको 37 ये कम कर देंगे, ठीक है, तो 9 4 9 3 7 मेरा आंसर आ जाएगा, आसानी से आप यहाँ पे कर देंगे 9 4 3 7। अच्छा अगर इसी तरीके से मैं कोई और नंबर ले लूँ, मान लेता हूँ कुछ ले लीजिए 8 7 6 5, ठीक है, -4 कुछ ले लीजिए 4 32, बताइए कितना है,
अब कैसे आएगा? अब मान इसको सबट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, देखिएगा इसमें क्या करना है कि अब 87 ले लीजिए, इधर आपको 4 ले लेना है, इधर 65 का पेयर बनेगा, इधर 32 का बनेगा। 87 में से 4 जाएगा कितना आएगा, सभी लोग जाने 83 आएगा। लेकिन जब 65 में से 32 माइनस करेंगे तब क्या आएगा, तब नेगेटिव आएगा। और कितना नेगेटिव आएगा निकाल भी सकते हैं, 6 में से 3 जाएगा 3 और 5 में से 2 जाएगा 3 है। अच्छा ये भी पॉजिटिव ही आएगा, 65 में से नेगेटिव नहीं है, सॉरी 65 है 32 है तो पॉजिटिव ही आएगा और 3 आ जाएगा। 6 में 3 गए 3 और 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, तभी सब पूरा पॉजिटिव हो जा रहा है। अभी आप नेगेटिव लेंगे ना, लेकिन नेगेटिव वाला भी कर दीजिएगा, और ले लेता हूँ मैं, दो तो पॉजिटिव ही वाला आ गया, 7 6 मान लेता हूँ, 7 5 है ना, और 3 95। अगर आपको ये करना तो क्या करेंगे जरा बताइए, आपकी बार करिए। देखिए 76 और 3 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 76 में से 3 जाएगा 73 आएगा, और देखिए 75 में से जब 95 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 नहीं आएगा, -20 आएगा। कितना आएगा, -20। अब तो नेगेटिव आ गया, तो रूल क्या कहता है कि भाई जो नेगेटिव है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से 20 जाएगा 80, और इसको एक कम कर दीजिएगा 7280 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको करना है, 3 डिजिट के नंबर, अगर 4 डिजिट के नंबर में से 3 डिजिट के नंबर को माइनस करना है। अगर सभी नंबर पॉजिटिव आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मान लेते हैं लास्ट वाला नेगेटिव आ जाता है तो क्या करना है, उसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा। अब बाकी जो पहला नंबर आएगा माइनस करने के बाद आया था उसको एक कम कर दीजिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से सारी चीजें आप कर पाएंगे। इसमें देखिएगा अगर, हाँ अब एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर आपको 4 डिजिट के नंबर में से, अगर आपको 4 डिजिट के नंबर में से अगर आपको माइनस करना है तो कितना आएगा जरा बताइए सभी लोग। अगर आपको 4 डिजिट के नंबर में से, मान लेते हैं आपका 4 डिजिट का नंबर है, उसमें से 4 डिजिट के नंबर को माइनस करना तो क्या करेंगे, वही काम है। यहाँ पे देखिए 54 79 का पेयर बना लीजिए, यहाँ पे भी 2 पेयर बनाइए, डबल डबल दोनों तरफ पेयर बन जाएगा। अब क्या करना है, 54 में से 32 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 4 में से 2 जाएगा 22 आ जाएगा, और 79 में से 18 माइनस कर लेंगे अभी आसानी से आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 और 9 में से 8 जाएगा 1, तो 2261 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो पॉजिटिव नंबर था, तुरंत आपने देखा 54 में से 32 माइनस किया 22 लिखा और तुरंत आंसर हो जाएगा, 5 में से 3 गए, 4 में से 2 गए, 7 में से 1 गए, 9 में से 8 गए आंसर। अब इधर देखिए नेगेटिव वाला भी एक करा देता हूँ, अब इधर 97 का पेयर बना लिए, 65 का बना लिए, 56 बना लिए, 79 बना लिए। 97 में से जब आप 56 माइनस करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 में से 6 जाएगा 1, 41 आपका माइनस करने के बाद आएगा। लेकिन जब आप 65 को 79 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहले नेगेटिव का साइन लिखिए, उल्टा माइनस कर लीजिए, 7 में से 6 गया 1 और 9 में से 5 गया 4, कितना जाएगा 14, यानी 79 में से अगर 65 को माइनस कर दिया जाए तो 14 आएगा। अब ये नेगेटिव आ गया क्योंकि 4 डिजिट के नंबर में से माइनस कर रहे हैं, इस 14 को 100 में से माइनस कर दीजिए। क्या करना है, 100 में से आपको माइनस कर देना है, देख लीजिए कितना आ रहा है, 100 में से अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इस क्या करना है आपको, चलिए इसका, हाँ क्या बता रहा था मैं, तो देखिए 97 65, देखिए आपने क्या किया, -14 आया। अब इसको 100 में से जब माइनस करेंगे तो 96 नहीं आएगा, 86 आएगा ना, 100 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
86, और इसको एक कम कर लीजिए तो 4086 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 15 में से 9 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और 15 5 बचेगा, ठीक है, और 15 तो आप निकाल लीजिए, सही है, तो 5 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा, 8 आएगा, तो 86 आ जाएगा, क्लियर है। इसको 100 में से माइनस कर देना, इसको, और इसको 41 में को एक कम करके लिख दीजिए, 40 लिख दीजिए, तो 4086 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी, ठीक है। यही सारी चीज़ें सब्ट्रैक्शन, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चार में से जब माइनस करना होता है, दो दो का, देखिए चार डिजिट में से चार डिजिट, फोर डिजिट माइनस करना हो, या फोर डिजिट में से थ्री डिजिट को माइनस करना हो, तो कैसे करेंगे? नेगेटिव वाले में क्या करते हैं, फोर वाले में 100 में से, जब नेगेटिव वाला 100 में से माइनस कर देते हैं, और बाकी थ्री डिजिट का नंबर है, टू डिजिट का नंबर अगर है, अगर लास्ट वाला नेगेटिव आता है तो उसको 10 में से माइनस करते हैं, एक कम कर देते हैं, तो वही रूल चलेगा। ये एक सब्ट्रैक्शन था, जनरल मेथड से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आप जो है कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आपका कभी सब्ट्रैक्शन गलत नहीं होगा। मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, कुछ जैसे स्पेशल, जिस तरह से स्पेशल एडिशन आपने सीखा था, उसी तरीके से कुछ आप लोग यहाँ पे स्पेशल क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। जैसे अगर किसी नंबर में से 99 को माइनस करना है तो कैसे आएगा, अगर किसी नंबर में से 999 को माइनस करना है तो क्या आएगा, अगर किसी नंबर में से 4 बार 9 लिखा है उसको माइनस करना है तो क्या है? लिखेंगे, क्या आएगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, देखिएगा, कह रहा है व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम एनी नंबर, कह रहा वी विल ऐड +1, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे +1 किसमें, टू द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसकी लास्ट टू डिजिट्स में एक ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी नंबर में से जब 99 को माइनस किया जाएगा तो उस नंबर के लास्ट टू डिजिट्स तो क्या करना है, उस नंबर के लास्ट टू डिजिट्स को में एक ऐड करना है। देखिए लास्ट टू डिजिट है ना, ये इसमें एक ऐड करना है, और साथ ही साथ जो आपका ये, तो ये लास्ट में ऐड करना है, साथ ही साथ एन लिखा है कि ना, टू द रिमेनिंग नंबर एंड -1 टू द रिमेनिंग, और जो आपका रिमेनिंग डिजिट बचता है, लास्ट वाला बचता है, उसमें से एक को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे आपका डिजिट क्या 6 है, देखिए यहाँ पे 7 लिख गया, लेकिन रिमेनिंग 6 बना लीजिएगा, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसमें से एक कम कर देंगे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब किसी नंबर में से 99 को माइनस करना होगा तो उस नंबर के लास्ट टू डिजिट में 1 ऐड करना है, जो नंबर्स बच जाएंगे, जो डिजिट्स बच जाएंगे, उसमें से एक माइनस करना है। लास्ट टू डिजिट यही तो हुआ, इसमें एक ऐड करना है और बचे वाले में से एक माइनस करना है, इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको रखना है, ठीक है। 99 था तो लास्ट टू डिजिट में एक ऐड करिए, और इतनी तेजी से सबट्रैक्ट होगा कि आप पलक झपकते ही आंसर आ जाए। 29 लास्ट टू, इसमें एक ऐड करेंगे 30, और रिमेनिंग डिजिट बचा 6, 6 में से एक माइनस जाएगा 5, तो 5:30 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5:30 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर समझ लीजिएगा क्या करना, जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और भी ले लेता हूँ, देख लीजिए 99 में लिया हूँ यहाँ पे, एक आध एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए हमने क्या लिखा है, 42325 में से 99 माइनस करना है, तो लास्ट टू डिजिट्स यही है, ये क्या है, लास्ट टू डिजिट्स यही तो है, लास्ट टू डिजिट में क्या करना है, एक ऐड करना है, क्या करना है, +1 करना है, ये रिमेनिंग डिजिट्स है, क्या है, ये रिमेनिंग डिजिट, उसमें क्या करना है, एक माइनस करना है, यही कॉन्सेप्ट है। लास्ट टू डिजिट्स में एक ऐड करिए, तो 25 में एक ऐड करेंगे 26, और 423 रिमेनिंग डिजिट्स था, इसमें से एक माइनस कर देंगे 422, तो 4222 ये मेरा आंसर हो जाएगा, 42226। आई होप अब आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग,
चलिए आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अभी तो आपने क्या कहा, अभी तो 99 का सब्ट्रैक्शन था, कह रहा है वेन एवर 999 अगर किसी नंबर में से 3 बार 9 दे रखा उसको अगर माइनस करना तो क्या कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अगर 3 टाइम्स 9 को माइनस करना किसी नंबर में से तो लास्ट 3 डिजिट्स का पेयर बनता है। किसका पेयर बनता है, लास्ट 3 डिजिट्स के पेयर को बनाइए आप, है ना, लास्ट 3 का पेयर बनाइए, उसमें से क्या उसमें एक ऐड करिए, लास्ट 3 डिजिट्स के पेयर को बना करके उसमें एक ऐड करना है, बाकी क्या करना है, और बाकी जो रिमेनिंग बचता है उसमें से एक माइनस करना है। जब 3 बार 9 999 किसी नंबर में से माइनस करना होता है तो जिस नंबर को में से 999 को माइनस करना है उसके लास्ट 3 डिजिट्स में एक ऐड करिए, जैसे 588 है तो 589 हो गया, और जो बच गया उसमें माइनस कर दिया, आंसर हो गया। मतलब कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, लास्ट 3 में एक ऐड करनी है, बचे में से एक माइनस कर दीजिए। जैसे यह वाला अगर आपको कहीं कहे गया इसका आंसर बताइए तो क्या बताएंगे, अब यहाँ मुझे मान इसी में से यही सॉल्व करना, क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स में एक ऐड कर दीजिए 976, और 54 में से एक माइनस कर दीजिए 53, यही मेरा आंसर हो गया। तो जब किसी नंबर में से 999 को माइनस करना होता है तो लास्ट 3 डिजिट्स में एक ऐड करते हैं और रिमेनिंग डिजिट में से एक माइनस कर देते हैं, यानी इसमें +1 करना है और इसमें से -1 करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आई होप आपको इस चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है आगे चलते हैं, चलिए आगे चला जाए। अगर मान ले किसी नंबर में से 4 टाइम्स 9 को माइनस करना तो क्या करेंगे, जब 4 बार 9 होगा ना तो 4 देखिए लास्ट 4 डिजिट को में से में एक ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब किसी नंबर में से 99 को माइनस करना हो जो 2 बार 9 आता है तो लास्ट 2 डिजिट में एक ऐड करना है, बचे में से एक माइनस करना। अगर किसी नंबर में से 999 को माइनस करना है लास्ट 3 बार 9 है ना तो उस नंबर के 3 लास्ट 3 डिजिट्स में 1 ऐड करना है, बाकी में से एक माइनस करना है। अगर किसी नंबर में से 4 टाइम्स 9 को माइनस करना है तो क्या करेंगे, उस नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स में 1 ऐड करेंगे, जितनी बार 9 आएगा उतना लास्ट डिजिट में ऐड किया जाता है 1, 4 टाइम्स 9 है, उस नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स में 1 ऐड करेंगे, जिस 7699 था 1 ऐड करेंगे तो 7700 आएगा, बाकी आपके पास बचा हुआ डिजिट था 4, 4 में से एक माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बना लीजिएगा, ये आपका 3770 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है इसे कहेगा, कोई पूछे इसका आंसर बताइए तो बिना पेन चलाए बता सकते हैं इसका आंसर, अगर आपको कोई पूछे जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा तो कैसे बताएंगे, ये तो बिना ऐसे ही लग जाएगा भाई, 4 बार 9 है तो लास्ट 4 डिजिट में 1 ऐड कर दीजिए, लास्ट 4 में तो 7362 में 1 ऐड करेंगे 3763 आ जाएगा, और जो बचा हुआ डिजिट है भाई इसमें क्या करेंगे +1, इसमें क्या करेंगे -1, तो 42 में से एक चला जाएगा 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो लास्ट अगर 4 टाइम्स 9 को माइनस करना तो लास्ट 4 डिजिट में 1 ऐड कर लीजिए, बाकी एक में से माइनस कर लीजिए। तो ये एक तरीके से स्पेशल एडिशन सब्ट्रैक्शन था, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर 9 का स्पेशल सब्ट्रैक्शन था कि दो अगर किसी नंबर में से 99 को माइनस करना हो तो क्या करेंगे, किसी नंबर में से अगर 999 को माइनस करना हो तो क्या करेंगे, किसी नंबर में से अगर 99 99 को माइनस करना तो क्या करेंगे, बाकी अगर 4 डिजिट नंबर में से 4 डिजिट को नंबर को माइनस करना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, 100 में से माइनस किया जाता है तो बाकी एक माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सब्ट्रैक्शन आप अच्छे से सीख गए होंगे। 4 डिजिट के नंबर में से अगर 3 डिजिट का नंबर माइनस करना है तो देखिए दो दो का पेयर बन जाता है, समझाओ मैं अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, और फिर हम जो इधर पहला डिजिट ऐसे ही छोड़ देते हैं बाकी लास्ट के दो का पेयर बना लेते हैं, 23 में से 6 जाएगा 17, 78 में से 54 जाएगा 24, अगर बाय द वे नेगेटिव आता है तो
चार डिजिट्स था तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और जो पहले वाला नंबर आ गया माइनस करके आया रहा होगा उसमें से एक कम कर देंगे, ये आपका रूल है। बाकी अगर 3 डिजिट में से अगर दो दो डिजिट का नंबर माइनस करना हो, या 3 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर माइनस करना हो, अगर लास्ट वाला नेगेटिव आता है तो 10 में से माइनस करते हैं और उसको एक कम कर देते हैं। और 3 वाले में शुरू के 2 का पेयर बन जाता है, यहाँ पर भी 2 का, अगर शाम जिससे मैं अगर 3 3 डिजिट की बात कर रही है तो यहाँ भी 2 का पेयर बन जाएगा, और बाकी इन डिजिट को ऐसे ही छोड़ देंगे। 83 में से पहले 52 जाएगा, फिर 9 में से 7 माइनस कर देंगे। ये सारे चीज़ हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा और कई क्वेश्चन प्रैक्टिस में ला दीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि जब एक बार इस पैटर्न को आप समझ जाएंगे है ना, और इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको कम से कम लिखना होगा, और थोड़ी बहुत आपकी स्पीड जो है, बहुत सारी सब्ट्रैक्शन की स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, जो कैरी लेने में चूंकि बहुत बार भूलता है, तो इस तरह से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो आप खुद पाएंगे कि आपको जो है स्क्रीन पे देख करके सब्ट्रैक्शन करना आ जाएगा, यानी लिखना कम पड़ेगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, मैंने बताया बेसिक तरीके से कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 999 का एक कॉन्सेप्ट था मैंने उसको बताया, 9 वाला, जब 9 का स्पेशल सब्ट्रैक्शन था मैंने उसको आपको समझाया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।